हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन वेर एम टू रीच एंड टीच बिलियन पॉपुलेशन सो गाइस हम लोग कर रहे हैं ज्योग्राफिक डिस्कवरीज एंड एक्सप्लोरर्स के बारे में तो हाफ में पहुंच चुके हैं इंटरेस्टिंग वाले अब हैं तो पहला हम शुरू करेंगे अमेरिगो वेस्पूसी से अमेरिगो वेस्पूसी वॉज एन इटालियन एक्सप्लोरर एंड इज सपोज टू हैव गॉन ऑन एक्सपेक्टेशन ऑन दर्डर्स ऑफ किंग ऑफ स्पेन तो सब लोग किंग के सपोर्ट से ही जाते थे क्योंकि भैया वरना रस्ते में काट मार डालेंगे अगर ज्यादा होशियारी दिखाई तो इसलिए एक सेकेंड कमेंट देख लेता हूं चलिए कोई कमेंट नहीं है द लैंड ही पाउंड वॉज नेम्ड एज वेनिजुएला जहा ऑयल बहुत ज्यादा है इन थर्ड एक्सपेक्टेशन मतलब तीसरी बार जब वो एक्सपेक्टेशन मतलब जब खोज में निकले बाई फॉलोइंग रिवर कोर्स ही को डिस्कवर द डेल्टा रीजन ऑफ अमेजोन रिवर इट इज बिलीव दैट अमेरिका पहला नाम जो है अमेरिको के बाद इसलिए नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका आपको मैप दिखा देता हूँ गाइज क्योंकि मैप के थ्रू ही हम लोग लर्निंग करते हैं बिलियन एजुकेशन पे आए और मैप ना सीखो ऐसा हो ही नहीं सकता हा 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 कुछ भी नहीं है ऐसा नहीं है गाइज चलिए So, आप लोग को मैप दिखाता हूँ थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करेंगे कहाँ गया भैया ए भाई है नहीं आ रहा है ये मैप छुपन छुपाई खेल रहा है ये देखिए इसे एनलार्ज कर देते हैं तो गाइस देखिए जो वेस्पुस्सी के दिखले थे दिखा रहा है बेसपुसी तो ये पहुंचे थे इधर ये है बेनिज़ुएला ये बेनिज़ुएला है और आप लोग अमेज़न जानते होंगे यहां से तो यहां से गए पहुंच गए अमेज़न में भी और इन्हीं के नाम अमेरिका के ऊपर नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका नाम रखा गया मजा आया कि नहीं आया चलिए वास्को द गामा ठीक है जिसके वजह से हम इनको मालूम पड़ा इंडिया के बारे में

और जा रहे थे एंड इन सर्च ऑफ इंडिया तो पहला इंसान जो सर्च ऑफ इंडिया में निकला भी था और इंडिया को ही पा गया तो खो, सोना खोजने निकले थे हाथ में मोती आ गए सोना ही था लेकिन मोती भी था ही ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका अफ्रीका ध्यान रखिए एंड विस्टेड फ्यू अफ्रीकन पोर्ट्स लाइक मुम्बासा एंड मलिंदी मुंबासा गाइज आप लोग को पता है कि नहीं ये केन्या की बहुत बड़ी सिटी है की बहुत बड़ी सिटी है मुंबासा इटालियनगेटर एंड अंडर हिस्स गो दामा लैंडेड टू इंडियन पोर्ट ऑफ कैलिकट कोजिकोडे कोचि कोजिकोडे खुद में एक सिटी है सॉरी ये केरला की एक सिटी है कोजिकोडे -ko तो यहाँ पे है। और इसे पहले कहा जाता था कैलिकट कलिकता से याद मत रहा कैलिकट बहुत लोग को परेशान करता है कि कैलिकट कोलकाता होगा लेकिन नहीं ये कोलकाता कौल, से कंफ्यूज मत कर, कर, करना कोलकाता ईस्ट में है ये वेस्ट ऑफ वेस्ट ऑफ इंडिया के में है ठीक है यार ये मैप ही बना दो क्या ये देखिए इंडिया इस तरह से यहाँ पे ऐसा ये कलकत्ता है कैलिकट इधर था ये जोन कैलिकट का था दोनों बहुत अलग अलग नाम है इन फोर्टीन यहाँ पे इनको बोलते हैं कि एक गुजू भाई ने भी हेल्प किया था तो भले ये इटालियन का नाम ले रहे हैं यहाँ पे लेकिन इनको एक गुजू भाई बोले थे कि ओ गामा चलो हमारे साथ तुमको इंडिया ले चलते हैं ही आज द किंग जमोरीन ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जमोरीन का उस टाइम के राजा थे ऑफ द कोजिकोड़े फॉर ट्रेडिंग परमिशन कि भैया मैं यहाँ पे व्यापार कर सकता हूँ क्या माल अपना ले जा और आ सकता हूँ क्या आफ्टर ऑप्टेनिंग द परमिशन ही रिटर्न टू पॉर्चुगल और बोलते हैं कि भैया एक रातों रात कर, करोड़पति हो गए इतना सामान बेचे ले जाए कि यहाँ से सस्ते में खरीद लिए थे हमारे स्पाइसेस को और वहाँ जाके इतने में बेचे ये रातों रात माला माल हो चुके थे देयर आफ्टर ही विजिटेड इंडिया ट्वाइस और हर बार आ रहे थे करोड़पति बन के जा रहे थे ही बिकेम द फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ गोवा एंड कोची वाइस रॉय मतलब आज के जो प्रेसिडेंट होते हैं ना इंडिया के उस सारे स्टेट्स के गवर्नर्स होते थे ये उस जगह के हेड हो चुके थे इतना इनको मान जान दिया सब लोग ने आफ्टर द पोर्चुगीज रूल वॉज स्टैब्लिश देयर तो बाद में ये आए पीछे से राजा आए और फिर वहां पे अपना पोर्चुगीज ने भी अपना बोलते ना राज आधिपत्य जमा लिया गया ऐसे आए ट्रेड करने आए धीरे से हमको चाकू खोप के बोलते अब हम ही राजा हैं भैया द ट्रेडिंग बिटवीन यूरोपियन कंट्रीज एंड इंडिया वॉज इनिशिएटेड थ्रू हीस एफर्ट्स तो इन्होंने कोशिश की थी आज बहुत कामयाब हुई तो आप लोग देख सकते हैं कि डी डी ओनो जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया था कि अफ्रीका बहुत रिच थी अपने रिसोर्सेज में और वहाँ के लोग सस्ते में कैसे उनको परेशान किया जाता है स्लेव के बारे में ऑलरेडी बहुत अच्छे से बताऊँ मैंने तो यही पॉइंट है कि स्लेव की दिक्कत क्या थी अफ्रीका से सस्ते में लेके जाते थे और बेचारों के दिन रात म करते थे और आज भी नहीं रिसोर्स आज भी अफ्रीका ख़त्म नहीं हुए है लोग ने तो बहुत यूरोपियंस चाइना ने तो पूरी वाट लगा दी फिर भी अगले सौ साल तक जो पूरी दुनिया को रिसोर्सेज देने के काबिल है वो है सिर्फ और सिर्फ होल अफ्रीकन कॉन्टिनेंट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का चेहरा देख लीजिए ये ये पूरा जोन पूरे वर्ल्ड को रिसोर्स जब ख़त्म हो जाएंगे तो सौ साल तक ये कंटिन्यूस दे सकता है इतना रिसोर्स है इसके पास Guys सौ साल आप बोलोगे सर सौ साल बड़ी चीज़ नहीं आ रही लेकिन सबके ख़त्म होने के, के बाद अकेला सबको दे रहा है बहुत बुरी दशा है आप लोग इमोशनल हो जाओगे सुन के जान दीजिए क्योंकि इनको इतना एक्सप्लॉयड किया जा रहा है वहाँ की लैंड को बायोडाइवर्सिटी एनिमल सब कुछ खत्म हो रहा है ठीक अभी हम लोग करेंगे फदीनाथ मैगलन इंपॉर्टेंट है इनकी डेथ हो जाती है फदीनान मैगलन इज नोन एज स्पैनिश एक्सप्लोर तो स्पैन इटली और पोर्चुगीज ये तीन ही कंट्री ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि भैया वो लोग उस टाइम पे मस्त कमा रहे थे हु ऑर्गेनाइज द फर्स्ट एक्सपेडिशन विच प्रूव टू बी द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ सरकम नेविगेशन ऑफ अर्थ

आगे चलते हैं चैम्पलेन चपले थे ये ये चापे हुए थे फोन आ गया सॉरी कोई भी फोन कर देता है फ्रेंच नेविगेटर एंड नेविगेटर जो मतलब हर जगह घूमता फिरता एंड कार्टोग्राफर मानचित्र बनाने वाला मैप बनाने वाला कार्टोग्राफर मतलब मैप बनाने वाला ऑर्गेनाइज एक्सपेडिशन टू नॉर्थ अमेरिका पहला सोचा समझा आप देख रहे हैं आप नॉर्थ अमेरिका जाएंगे ये सो देयर ही स्टैब्लिश फ्रेंच कॉलोनीज ही स्टैब्लिश द सिटी ऑफ क्यूबे इन कनाडा क्यूबेक क्यूबेक कनाडा में आप लोग मस्त है वहां पे फ्रेंच आज भी बोली जाती है क्यूबेक यहीं पे देखोगे यहीं पे जो फ्रांस का सेटलमेंट था गाइस और जो ब्रिटेन का सेटलमेंट यहाँ था ये यह दोनों के बीच में लड़ाई होगी और बहुत भयंकर लड़ाई होगी जहाँ से पूरा आप देखोगे अमेरिकन वॉर ऑफ अरे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो हो जाता है ब्रिटेन और यूरोप ब्रिटेन और फ्रांस अपनी आधिपत्य जमाना चाहते हैं यहां पे और लड़ाई होती है अल्टीमेटली ब्रिटेन जीत जाता है अब फ्रांस बेचारा क्यूबेक जोन तक ही रह जाता है चलिए सो so, ये होगा किसका समूल दे चपले चपले जान के बोल रहा हूँ भोजपुरी में चपले रहो चपले रहो मतलब एकदम बढ़ते रहो आगे बढ़ते रहो वैसा बोलते हैं चलिए एक सेकेंड भैया कुछ आपके कंप्लेन हो डाउट हो तो आप लोग बोल सकते हैं या जो चीज अच्छी लगे वो भी बता दीजिए हमें बोलिए बोलिए मित्रों बोलिए गाइज इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं ठीक है लेट मी चेक वेदर आई हैव और के टाइम पे सब सारी चीज़ें नहीं ये बैकग्राउंड में आपको भूलना नहीं है कि रिलेशंस के टाइम पे सब सारी चीज़ें हुई रिलेशंस के बाद इनलाइटमेंट आएगा फिर रिवोल्यूशन आएगा तो ये सब इसी के शुरुआत में हो चुका है और आप देखोगे बाद में यही सब सपोर्ट करते हैं रिवोल्यूशन को और कौन कौन से रिवोल्यूशन इंडस्ट्रियल रिवोलूशन फ्रेंच रिवोल्यूशन अमेरिकन रिवोल्यूशन सब चीज़ की बैकबोन में रिलेशेंस और इन्लाइटमेंट ही काम करेंगे तो इसको इतने हल्के में मत लीजिए क्योंकि कोई भी रिवोल्यूशन या बहुत बड़ा चेंज होता है उसके पीछे एक फैक्टर नहीं होता हजारों फैक्टर होते हैं तो उनमें से हम देख रहे हैं कि नए नए जगह मिलते गए इसलिए रिवोल्यूशन भी ज्यादा ज्यादा होते गए क्योंकि सबके अंदर अब आग लग पड़ी थी भैया कि पहले कौन पहले कौन तो आ, मेरे बाप पहले आप ऐसे करके लोगों में चलने लगा जो डोमिनेट था वो बाप बन गया आ, और उनको जगह दी जाने लगी सो so, अबेल जानजोन तस्मान एक सेकंड इसे से नीचे कर लेते हैं तस्मान इन हॉलैंड आज का करंटली नेदरलैंड इसको बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दोलियल रश फॉर सर्चिंग अनोन लैंड बाई डिस्कवरिंग न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड तो तस्मान का नाम आ, आप लोग को याद आना चाहिए कि वो कहां से आए थे आ, उन्होंने खोज की न्यूजीलैंड की और ये करते करते आप देखोगे इन सिक्सटीन सिक्सटी फोर ही सर्वेट द साउथ वेस्ट कोस्ट एक सेकेंड पहन ले माफी चाहूंगा गाइज आप लोग के थोड़े से डिस्टर्बेंस के लिए अब ये तो सॉफ्टवेयर इसको क्या कर सकते हैं हम लोग इन सिक्सटीन फोर्टी फोर ही सर्वेड द साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ न्यू न्यूजीनिया आईलैंड एंड डिस्कवर द रीजन ऑफ कारपेंटेरिया इन क्वींसलैंड अ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इन ऑस्ट्रेलिया ये देखिए तो न्यूजीलैंड यहां पे ये न्यूजीलैंड है और ये साउथ वेस्ट में यहाँ पे करते 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 यहाँ पे ये यह पहुँच गए हमारे ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया जैसे हमारे यहाँ स्टेट ऑस्ट्रेलिया में रीजन्स हैं ठीक है पर्थ वेस्टर्न कोस्ट पे है बीच में सेंट्रल जहाँ पे डेजर्ट है तो ऐसे जोन्स हैं तो उसमें से वे पे पहुँच गए तो मतलब जो अब यहाँ तक पहुँच गया तो ऑस्ट्रेलिया का रिसर्च कर ही लेगा ये बात कहने की है अब जेम्स कुक कैप्टन कैप्टन जेम्स जेम्स कुक, कुक ऑफ़ द ब्रिटिश रॉयल ने भी पहली बार ब्रिटेन का नाम न्यूजीलैंड एंड देखिए जो पता चल गया था लैंड के बारे में तो ऊपर ही तस्मान को ही मालूम पड़ गया था लेकिन ये क्या किये? लैंड पूरा घूमे पूरा का पूरा जो था ना न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया उसका मैप बना पाए थे इसलिए जेम्स कुक का नाम आता है एक कट अक्रॉस 60,000 नॉटिकल माइल्स ड्यूरिंग हि जर्नी ऑफ थ्री गाइस तीन तीन साल चलते रहते थे लोग अच्छा नॉटिकल माइल्स क्या होता है जैसे एक नॉटिकल माइल्स होता है नियरली 1.8 1.85 एट वन पॉइंट ले लीजिए किलोमीटर्स वन पॉइंट एट फाइव किलोमीटर्स को वन नॉटिकल माइल्स बोलते हैं तो अब इनका आप जोड़ोगे तो ये तो भैया बहुत ज्यादा चल दिए थे ये नियरली वन लैक एट थाउजेंड किलोमीटर्स चले थे अगर हम लोग रफ कैलकुलेशन करें तो और इन्होंने क्या बनाया था मैप बनाया था सो लुइस एंटोनी द बोगन विले ही वॉज अ फ्रेंच सी फेयर तो ये फ्रेंच सी फेयर थे फ्रांस की तरफ से ये निकलते थे ही आफ्टर क्रॉसिंग द पैसिफिक ओशन इन सेवेंटी सेवेंटी वन ही रोट अ बुक वोजेस इस अराउंड दर्ल्ड विच डिस्क्राइब्स हिज जर्नी टू तहिती तो ये अच्छी बुक मिल गई देखिए कुछ ना कुछ अलग चीज मिलती है हम सब में इतना नहीं पढ़ रहे थे लेकिन यहाँ पे आप देखिए बुक मैंशन कर रहे थे क्या क्या दिक्कतें आती है कौन से आइलैंड पे पहुंचने पे क्या मिला कैसे कैसे पूरा आप ये लिखना शुरू किए यूजिंग द इन्फॉर्मेशन इन द बुक फ्रेंच मिशनरीज रीज द तहति इन नाइनटीन सेंचुरी दस्टैब्लिश द फ्रेंच कॉलोनी इन तहति वन ऑफ द आईलैंड एंड ऑल्सो वन ऑफ द आइलैंड एंड ऑल्सो फ्लावरिंग क्लाइंबर बोगन विले इज नेम्ड आफ्टर हिम तो एक आइलैंड का नाम और एक फ्लावर जो वहाँ पे फ्लावर है उसका नाम भी बोगन विले का नाम आप लोग सुने रहेंगे कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में भी इसका प्रचार प्रसार हो ही गया है so, सो बोगन विले फ्लावर है तो ये सब जो दो जगहों के एक जगह के नाम और एक फ्लावर के नाम इनके बाद दिया गया सो so, आप देख रहे हैं कि स्टेट ने कैसे इसके ये फ्रांस के थे अब फ्रांस फ्लाइन ने देखो इनको क्या क्या मिशनरी मिशनरी क्या करते धर्म परिवर्तन धर्म परिवर्तन करा रहे थे ये लोग आप पाओगे कि ये वन ऑफ द फ्रेंच कॉलोनी आज हो चुकी है सही थी और यहाँ पे आप ये फ्रेंच कॉलोनी तो इसका जहां मालूम होना चाहिए जैसे आप फ्रांस जो वर्ल्ड मैप मैपे देखते हो ना कि फ्रांस आज यहाँ पे है। लेकिन इनके जो आइलैंड्स हैं वो वर्ल्ड में हर जगह फैले हुए हैं हर जगह ये देखिए मैगलन का देखिए पार्थ ये देखिए मैगलन कैसे कैसे गए थे डॉट 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 करते करते और उनको बाद में फिलिपीन में मार दिया गया था आप लोगों को सब सारी चीज पता होना चाहिए ठीक है चलिए तो ये पूरा जो मैप है गाइस ये आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट गिर जाता है ये देखिए अजोर के बारे में कल हमने बात की थी चलिए अब मुंगो पार्क मुंगो पार्क स्कॉटिश स्कॉटलैंड के मतलब आप लोग को यूनाइटेड uh, किंगडम में चार पार्ट हैं यूनाइटेड किंगडम के चार पार्ट हैं एक बड़ा वाला जिसके अंदर तीन आते हैं इंग्लैंड स्कॉटलैंड इंग्लैंड और वेल्स और एक आयरलैंड का ऊपर वाला जो नॉर्दर्न आयरलैंड है आयरलैंड है ये सब मिलके बनते हैं यूके तो ये भी ये भी सब यूके पार्ट है अच्छा ग्रेट ब्रिटेन किसको बोलते हैं ये तीनों को ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं अच्छा इंग्लैंड तो देखिए बीच वाले को इंग्लैंड बोलते हैं आप लोगों को तीनों नाम का मैंने अलग अलग मीनिंग बता दिया कि कौन कौन से जोन को हम लोग ग्रेट ब्रिटेन किसको यूनाइटेड किंगडम किसको इंग्लैंड बोलते हैं ट्रेस द कोर्स ऑफ रिवर नाइजर एज अ पार्ट ऑफ हिस एक्सपेडिशन तो, uh, तो नाइजर रिवर आप लोग को मालूम इससे नाइजीरिया का नाम आया ठीक है ये टॉपिक गाइस हमारे खत्म अब इसके बाद आएगा हमारा ये देखिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ठीक है अलबरूनी के बारे में अगर जानना चाहे तो आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है अलबेरूनी ये इंडिया में इन्होंने बहुत सारी बुकें लिखी थी और इनका बहुत ज़रा कंट्रीब्यूशन हमारे हिस्ट्री में मिडि इंडिया के बारे में बताने के लिए मिडिवल इंडिया मिडि इंडिया जहाँ पे हमारा इस्लामी कह रहा था इस्लामिक एरा में भी और अंदर जाएं तो ये दिल्ली सल्तनत के बारे में बहुत अच्छा बताते हैं दिल्ली सल्तनत तो आज जो भी आप पढ़ते हो कि इस टाइम पे कैसा भारत था वो सब तो ये इनकी बुकों के द्वारा पढ़ते हो आप लोग ठीक है तो so आप पढ़ देता हूँ अलबरूनी विजिटेड इंडिया कंपनिंग सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी ट्राइज टू एस्टिट डायमीटर ऑफ अर्थ हिज मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द डिटरट्यूड एंड लैंडीट्यूड वॉज एक्यूरेट कंसिडरिंग हिस टाइम्स दिस वे दिस वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क प्रिपेयर मैप ऑफ दर्थ इंडिकेटिंग इट्स राउंड शेप ही पहले तो बात कि ये इंडिया के लिए तो इंपॉर्टेंट है लेकिन वर्ल्ड का लैटिट्यूड लॉन्ज क्योंकि आप लोग बोल रहे सर वर्ल्ड तो अर्थ वर्ल्ड अर्थ तो राउंड ही है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है नहीं वेरियस रिलीजन वाले इस्लामिक रिलीजन हो चाहे क्रिस्टियनिटी हो चाहे बहुत सारे हिंदुइज्म के हो जो वर्ल्ड को फ्लैट मानते थे और क्रिश्चियनिटी तो इसमें बहुत डीप में थी फ्लैट मानते थे तो उस टाइम पे अगर आप राउंड मैप भी वर्ल्ड का बना दोगे ना तो ये बहुत बुरी बात मानी जाती थी लेकिन ये विचार रखना है क्योंकि आप लोग सोचें ना शेप ऐसा हो कैसा हो और एक्चुअली आप देखोगे जब इन एन पढ़ते हो आप एन सी आर वहाँ पर आप देखते हो कि ये लोग कैसे ड्रा करते थे आज जैसा नहीं आप जो वर्ल्ड मैप देखते हो वैसा मैप नहीं था इनका ठीक है ये अलग चीज़ था और ये जनरली अरेबिक में लिखे थे जो इनके चीज़ें और बनाने की कोशिश की थी लेकिन थोड़ा जैसे कि अभी हमारा इंडिया ऐसा श्रीलंका ऐसा ना तो इन्होंने उल्टा बना दिया था तो ऐसा कोई बात नहीं लेकिन इनका जो एक्यूरेसी था राउंड मैप बनाने का ये सब सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी ठीक है इसलिए इनका नाम जानना बहुत ज़रूरी है अब इसके बाद जो गाइज रहेगा वो रहेगा हमारा नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और कोई डाउट रहेगा और गाइज जरूर पूछ लेना ठीक है मैं आपके डाउट का इंतजार करता हूँ तब तक आप लोग बता दीजिए कि कुछ डाउट है आप लोग के तो बोलिए नो डाउट चलिए चैप्टर के एंड में है गाइस हम लोग तो ये सब सारी चीज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे आ, और जो भी आपके डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख देना है चाहे आप लोगों को कुछ मीनिंग जानना या कोई भी चीज की डीप नॉलेज चाहिए तो मैं बता दूंगा आप लोगों को ठीक है चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में टिल दे बाय बाय हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे एट सायनारा लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा